Let us begin. Good evening, everybody. My name is Satyam Jain. Welcome to Understand UPSC. This is the year prelims, last prelims program, and this is the lecture six of the MCQ aptitude development series through a list of PYQs of the past 5 to 6 years. I welcome you all. Today, we will be discussing from the question number 34 of the 2019 paper. We have already done the 2018 paper in the four lectures, and then what we have done is 2019 ka one-third paper. So in this particular lecture, we'll be going through the second half, or you can say the second trimester, if that works. All right, chaliye fir. All right, let us begin with the session. This is question number 34. Now, I want you to focus on whatever I'm saying and stop your messages for a while and bring out your pen paper and write everything that I say. Make notes of it as much as you can. जितना मेरी बोली हुई बातों को लिखोगी उतना बाद में वो चीजें याद आएंगी. So, write as much as you can. ठीक है, राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. राइट एज मच एज यू कैन. चलिए, ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट. ओके, चलो पढ़ो स्टेटमेंट्स. ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स. अब मुझे बताओ मैंने क्या सिखाया है ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में. व्हाट हैव आई टॉट यू टाइम एंड अगेन कि भाई ग्लोबल वार्मिंग किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, इन एनी पर्टिकुलर एरिया, इफ ग्लोबल वार्मिंग इज ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ मीथेन गैस, हाउ कम द एग्जामिनर डिनाई सच अ थिंग. दे कांट, है ना, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में अगर मीथेन रिलीज हो जाए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कांट डिनाई, राइट? सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ करेक्ट वन. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर. नाउ पीपल हु आर जस्ट लाइक स्टक विद वर्ड्स, व्हाट दे विल थिंक इज अ लार्ज क्यों लिख रहा है, एंड दैट इज अ स्टूपिड थॉट. ओके, नहीं सोचना है हमें वो. ये क्या बोल रहा है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड ऑन द सी फ्लोर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन गेटिंग एन एप्टीट्यूड. रेक्टिफिकेशन में और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, रटने में और दिमागी स्तर बढ़ाने में, इंटेलेक्चुअली हाई होने में क्या डिफरेंस होता है. यही होता है दैट व्हेन यू लुक एट सच अ स्टेटमेंट द फर्स्ट थॉट दैट यू शुड हैव इज भाई लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट हाउ डू यू क्वांटिफाई एंड हाउ डू द एग्जामिनर से दैट इफ 1 kg ऑफ मीथेन हाइड्रेट इज फाउंड दैट इज नॉट अ लार्ज डिपॉजिट, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra. My point is, even if some amount of deposit is found, the examiner can't deny that, right? So this statement is going to be obviously correct. Now let's come to the third question. Methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. Now tell me, 2018, when I was discussing the paper of 2018, which particular question did I say that you will see a methane hydrate question? You will see a question on methane. Where you will see an exactly similar statement that I will tell you. बोला था मैंने 2018 के पेपर में. Did I not tell you? This is that particular statement. 2018, there was a statement given by the commission, which was that CO2, है ना, in few 100,000 years. I said this particular thing. Few 100,000 क्या होता है भाई? जब examiner खुद ही बोल रहा है लाख दो लाख साल, है ना, lakh to lakh. तो obviously that is going to be correct. Here it is a similar thing. Methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. Decade or two, भाई बहुत ही सिंपल है ना. दिस इज सच अ बिग रेंज, है ना, 10 20 साल में हो जाएगा. द एग्जामिनर इज नॉट सेइंग दैट 10.5 years. इट टेक्स 10 years, 5 months, 2 days एंड वन पर्टिकुलर आर टू कन्वर्ट मीथेन टू लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. नो ना, तो इट इज दैट सिंपल. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी करेक्ट. सो हियर नाउ टेल मी, व्हाई डू यू नीड एन ऑप्शन. यू डोंट नीड एन ऑप्शन, यू कैन सी डायरेक्टली दैट ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बात समझ आ रही है? सो हियर द आंसर विल बी डी. ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. चलिए लेट अस मूव अहेड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हिच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू. फोर गैसेस आर गिवन, फोर पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर गिवन. इट इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन सॉरी क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू. क्रॉप बायोमास रेसिड्यू जलाने से इनमें से क्या रिलीज होता है, होती है क्या क्या, अब बताओ मुझे. टेल मी व्हाट हैव आई टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन टाइम अगेन कंसिस्टेंटली सेट अबाउट सच क्वेश्चंस. क्या बोला है मैंने, बताओ मुझे. मतलब कम से कम मैंने 1,000 2,000 बात ये बार ये बात बोली होगी. व्हाट हैव आई टोल्ड अबाउट सच अ स्टेटमेंट. क्या समझाया मैंने? यस, वेरी गुड. डी, ऑल ऑफ इट इज गोइंग टू बी करेक्ट. एब्सोल्यूटली अमेजिंग, बहुत ही शानदार. ठीक है, आगे बात समझ में. सो गेटिंग इट, हाउ इजी दिस क्वेश्चन बिकम्स. नाउ मेरी एक बात सुनो अब सबके सब. 2024 प्रीलिम्स, एनी क्वेश्चन दैट कम्स अराउंड दीज लाइंस, ये जलाने से क्या निकलता है, वो होने से क्या निकलता है, यू विल मार्क इट ऑल.
आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। इफ दैट अगर आपका वो क्वेश्चन गलत भी हो जाए, इट्स ओके, इट इज ओके। इट इज बेटर टू लूज 0.0067 मार्क्स देन अप्लाइंग अ लॉट ऑफ ब्रेन एंड लूजिंग ऑन टू 20 मार्क्स। बिकॉज इफ यू स्टार्ट डाउटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, इफ यू स्टार्ट डाउटिंग व्हाट यू हैव लर्न, इफ यू स्टार्ट डाउटिंग योर एप्टीट्यूड सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू आर गॉन, डन, हो गया, मतलब खत्म है, वो अटेम्प्ट खत्म है फिर। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहे गलत भी हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाने दो। आपको 20-25 नंबर आ रहे हैं आपके, हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट ट्रस्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, है ना। ऐसे वो कहता है ना, धूप में बाल सफेद नहीं है, जैसे धूप में अटेम्प्ट खत्म नहीं किए हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं इसे। एक गलत हो गया, आपका मार्क्स चले जाएंगे, कोई बात नहीं, चले जाने दो, दे दो, है ना, दान कर दो वो मार्क्स। बाद में 20-25 नंबर आपका वेट कर रहे हैं पूरे पेपर में, जस्ट बाय दिस थॉट। बात समझ में आ गई है? हाँ, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखने हैं दिमाग में, सोचना ही नहीं है भाई। क्रॉप, इतनी क्रॉप है दुनिया में, है ना, लाखों करोड़ों क्रॉप्स है दुनिया में, करेक्ट। उसमें से कोई भी एक क्रॉप के बर्न करने पे छोटी सी भी ओजोन निकलेगी, आप कैसे बोलोगे कि नहीं निकल रही है? हाउ डू यू डू दैट? कांट डू दैट ना, कांट कंफर्म। सो आई कीप ऑन टेलिंग दीज थिंग्स, है ना, डोंट बी एन ओवर थिंकर, डोंट बी ए स्टूपिड। तो डोंट बी ए स्टूपिड, चलो, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी करेक्ट, आंसर विल बी D1234, सिंपल है। चलिए, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सीज एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, विच आर द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, आपस में कौन से करेक्टली मैच ना, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग लाइक दिस, है ना, दिस इज फ्रॉम इंटरनेशनल मैपिंग। ओके, आई विल टेल यू हाउ टू कवर इंटरनेशनल मैपिंग सेपरेटली, मैं करवाऊंगा ये, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं बताऊंगा कहाँ से कवर करनी है, कब करनी है, क्या करनी है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो इट यू विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी नॉलेज दैट विल बी वर्किंग। चलिए, लेट्स मूव अहेड देन टू क्वेश्चन नंबर 37। द आंसर विल बी हियर, क्या क्या दे रखा है? एड्रियाटिक सी अल्बेनिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन मोरक्को, रेड सी सीरिया। ओके, तो सबसे पहले दिस इज रॉन्ग, ये खत्म हो गया, एंड रीच टू आंसर। ओके ठीक है, दिस इज सिंपल, ये गलत, ये गलत। ओके, 1 3 4, राइट, दिस इज द आंसर, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, चलो, लेट्स मूव अहेड देन। 37, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में राइस सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू रीड द इकोनॉमिक सर्वे, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, यू विल रीड और यू विल अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सर्वे जितना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वट एवर आई विल टेल यू फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे उतना पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैं बोल रहा हूँ, उसके आगे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, समझ में आ गई बात? इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टिल दैट टाइम, अभी इकोनॉमिक सर्वे में देख लेंगे हम क्या डेटा आ रहे हैं, विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मैं जितना बताऊंगा उतना इकोनॉमिक सर्वे करना है, बैठ के 50-50 घंटे के लेक्चर नहीं देखने इकोनॉमिक सर्वे के, कोई भी बोले, चाहे कोई कोर्सेज नहीं ज्वाइन करने बजट सर्वे के, ठीक है, बजट जब आएगा मैं ही पढ़ा दूंगा, वैसे भी इंटरिम बजट आ रहा है, लास्ट से वाले बता दूंगा, पूरे नोट्स बने हुए हैं मेरे, आई टीच यू दैट, बट डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड डोंट ओवर डू। ठीक है, जितना बता रहा हूँ वो पढ़ो, जो सब्जेक्ट स्टैटिक बता रहा हूँ, स्टैटिक समझाया था ना इन द लास्ट वीडियो, इन द 4 टिप वीडियो, टोल्ड यू ना स्टैटिक इज द किंग, तो किंग, रिमेंबर दैट। चलो फिर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स जो अबव आर करेक्टली मैच्ड, अगेन इट इज अ वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, हाईली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट बंदरपूंच, राइट, यमुना, इट इज सिचुएटेड हियर, दिस इज वेरी लाइक वेरी सिंपल। व्हाट इज अ वेरी ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट हियर इज जिम। अब देखो, इन सच क्वेश्चंस व्हेन द पेयरिंग वाला क्वेश्चन कम्स, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज व्हाई द कट ऑफ विल गो अ बिट लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? देन दैट इज व्हाई द कट ऑफ विल गो अ बिट लो, एंड दैट्स ओके। सो दीस पर्टिकुलर क्वेश्चंस विल बी ऑब्वियसली अ बिट टफ व्हेन इट कम्स टू द पेयरिंग वाला थिंग, बट दे विल बी अ फ्यू, वेरी फ्यू क्वेश्चंस। सो यहां पे भी देख लो, सियाचिन इज फ्रॉम नुब्रा, एवरीबॉडी नोज दैट, देन जेमो इज नॉट फ्रॉम मानस, एवरीबॉडी नोज दैट, करेक्ट। सो ये गलत हो जाएगा, देन यू हैव टू जस्ट चूज, तो आपको दो समझ में आ गया, नाउ इधर भी आंसर विल बी 3 और 4, तो ऐसे करके। खैर, इन दिस पर्टिकुलर केस द आंसर विल बी बी, बट दिस इज, सॉरी सॉरी, इन दिस केस द आंसर विल बी, एक मिनट, चेना बेना, हाँ, द आंसर विल बी ए। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस द आंसर विल बी ए। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट दिस इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो सच क्वेश्चन, इट इज अ लैक ऑफ नॉलेज, इट इज अ लैक ऑफ रिसर्च ऑन पीवाईक्यूज, बिकॉज बहुत सारी चीजें में से पीवाईक्यूज में दे रखी होती है, कई बार दे रखी होती है। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 39। द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियन, फोरेट, ट्राइजोफॉस इज व्यूड इन द विद एप्रिहेंशन, दीज केमिकल्स आर यूज्ड, इट वाज वेरी हाईली न्यूज, बहुत हाईली न्यूज था। कार्बोफ्यूरान इज समथिंग व्हिच इज वेरी लाइक वेरी डेंजरस, एंड इट वाज वेरी मच इन न्यूज, ठीक है, बिकॉज इट इज अ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, इट इवन किल्ड
इसके दो तीन चीजों के वैसे न्यूज में था. इट वॉज बिकॉज ऑफ न्यूज ऑफ सम फार्मर्स डाइंग बिकॉज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन. इट वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ इट इन्वेडिंग इन टू द फूड चेन एंड एवरीथिंग. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज इट वॉज फ्रॉम करंट अफेयर्स. इट वॉज फ्रॉम करंट अफेयर डायरेक्टली न्यूज है ना, कोई बहुत पुरानी न्यूज नहीं थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था उस पर्टिकुलर टाइम पे. इट टू यू इट माइट लुक अ बिट टफ बट डोंट वरी अबाउट इट. जितना मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर उतना करते रहो, ठीक है, यू विल बी थ्रू विद इट. करंट अफेयर रिवाइज मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, बट आप इतना करते रहो, यू विल बी डन विद इट. चलो, सो देयर विल बी पेस्टिसाइड्स, अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. ओके, अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. बहुत सिंपल हो गया, ठीक है. दो चीजें हैं. व्हाट इज फर्स्ट? दैट अ कन्वेंशन, ठीक है, इट इज नॉट अ डील. पहली बात, इट इज अ कन्वेंशन. देन यू आर सेइंग दैट अ गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज मैंडेटेड टू डू सो. बहुत ही रेयरली ट्रीटीज होती हैं एंड अ कंट्री साइन सच ट्रीटीज विद अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन, विद अ लॉट ऑफ थॉट कि उसके ऊपर कोई मैंडेटरी चीजें लग जाए, राइट? तो मैंडेटरी. एंड तीसरी चीज ये बोल रहा है कि जितने भी वेटलैंड है इंडिया में, ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन इट इज सेइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोटेक्ट देम. इट इज नॉट सेइंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन प्रोटेक्ट. मे बी द स्टेट गवर्नमेंट्स माइट प्रोटेक्ट, राइट? तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ इश्यूज. तो दिस विल बी सर्टेनली रॉन्ग. The wetland rules 2010 were framed by the government of India based on the recommendations of the Ramsar Convention. Now, see, this particular statement looks very correct. Okay, this particular statement looks out to be very correct and it should have been correct. But the point is that no, the wetland rules were framed separately. They were not related to the Ramsar Convention. But when you look at it, it seems like it will be correct. So, yahan pe deceive ho gaya aap. And it's okay. Kuch questions mein deceive hota hai insaan. That's okay. You don't have to worry about it. Okay, so in some questions you will be deceived, and that's completely fine, completely fine. So this will be a wrong statement. Theek hai? The wetland rules were not formed for the Ramsar Convention, the basis of the Ramsar Convention. Ramsar Convention just talked about how to identify danger and wise use. So Ramsar Convention was related to wise use, right? Ki bhai, this is how you have to use your things appropriately. ठीक है, दैट्स इट, दैट इज इट, दैट वाज गिवन हियर. द वेटलैंड रूल्स आल्सो एनकंपास द ड्रेनेज एरिया ऑन कैचमेंट रीजंस ऑफ द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी. नाउ ओके, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इट एनकंपासेस द ड्रेनेज एरिया. कितना ड्रेनेज हो रहा है ये डेफिनेशन में ही आ जाता है ना. व्हेन द डिफाइन व्हेन द डेफिनेशन इज गिवन ऑफ द वेटलैंड्स इट कम्स हियर, है ना. इट्स ओके, इट्स ओके. कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट ये समझ में आ रहा है ना. डेवलप द एप्टीट्यूड. यू हैव टू मार्क दिस इनकरेक्ट, ये तो पक्का सबको श्योर है. देन दिस इफ यू आर मार्किंग करेक्ट इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट, वेरी सिंपल. इसी वाली लाइन पे करेक्ट है. इवन इफ यू गेट द आंसर रॉन्ग, इट्स इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट. यू डोंट हैव टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200 और 150, है ना. यू डोंट इवन हैव टू स्कोर 150. 100 मार्क्स भी बहुत ही होते हैं, बहुत ही होते हैं एज द पेपर इज कमिंग. सो डोंट वरी अबाउट इट. यू हैव अ स्कोप टू मार्क थिंग्स इन करेक्ट. यू जस्ट हैव टू हैव द थॉट प्रोसेस करेक्ट, थॉट प्रोसेस राइट. तो हो ही गलतियां, मेरे से भी होती हैं, सबसे होती हैं, है ना, सबसे गलतियां होती हैं. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक, सो लेट्स मूव अहेड. एंड हाँ, तो लाइक द लॉजिक दैट रिया इज गिविंग इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया. आई कैन सी दैट यू हैव लाइक रियली वॉच द लेसन्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड लॉजिक, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, है ना. कई बार मैं भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा पाऊंगा, बट आप सीख जाओगे उसमें से कुछ. वेरी नाइस, गुड, चलिए ठीक है. लेट्स मूव अहेड देन टू द क्वेश्चन नंबर 41. एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड into environment. Cattle releases ammonia into environment. Poultry industry releases reactive nitrogen compounds into environment. बताइए भाई. हाँ जी, what have I taught regarding such statements, regarding such questions? क्या पढ़ाया मैंने? Tell me. How simple is this particular statement? आ गया same चीज, release पीछे था, release यहाँ पे बोल रहे हैं, right? कुछ नहीं है इसमें, वेरी इजी, इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन. आप दिमाग लगा लोगे तो वहां भी गलत करोगे, यहां भी गलत करोगे. बात समझ में आ रही है? सो वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल. अभी देखो, इन द नेक्स्ट पेपर्स 2020, 21, 22, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जहां पे ये नहीं लगेगा, एंड दैट्स ओके. तो जब ये नहीं लग रहा है, डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अगेंस्ट इट, रदर आई वॉन्ट यू टू थिंक कोई बात नहीं, नहीं लगा कोई बात नहीं, ठीक है. दैट इज वॉट द थॉट प्रोसेस हैज टू बी, कि कुछ एक्सेप्शन होंगे बट द नंबर यू अल्टीमेटली हैव टू क्लियर द कट ऑफ ना, वो है ना. आप प्रीलिम्स ईगो के लिए थोड़े देने जा रहे हो, क्लियर करने के लिए देने जा रहे हो, राइट? सो हियर ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ऑब्वियसली करेक्ट.
What is common to the places known as Aliyar, Isapur, and Kamsabati? Recently discovered uranium deposits. Okay. Tropical rainforests, underground cave systems, water reservoirs. This particular statement was probably given in NCERT. I'm not very sure in which NCERT, but it came from NCERT. So all of these had water reservoirs. It's a Purani water reservoir. So Bauli and all, etc., etc. So those kind of water reservoirs. But if you don't know such questions, you can easily skip them. And don't go for guess, complete guess here. And a blind guess nahi karna hai. You don't have to go for blind guesses. है ना, जय माता दी नहीं करना है यहाँ पे. सो वॉट इज यू हैव टू स्किप सच क्वेश्चन. नो इट्स कम्प्लीटली ओके. देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एचसीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एचसीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एमिशन. हाँ भाई बताइए, एलिमिनेशन हो गया कार्बन मोनोक्साइड एमिशन का. वॉट डू यू फील, वॉट डू यू फील अबाउट सच अ स्टेटमेंट दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड. एलिमिनेटेड बताओ मुझे, व्हाट डू यू फील अबाउट सच अ क्वेश्चन, सच अ स्टेटमेंट दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड. दिस विल बी राइट और रॉन्ग. देन एचसीएनजी एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस. देखो यहाँ पे यही है, यही समझाना चाह रहा हूँ. हियर आल्सो द एग्जामिनर कुड हैव रिटन एलिमिनेट्स. नहीं लिखा ना यहाँ पे, क्या लिख रहा है, व्हाट इज एग्जामिनर राइटिंग हियर, रिड्यूसेस. एंड व्हाट इज द टर्म बीइंग यूज्ड हियर, एलिमिनेशन. राइट, रिडक्शन लिखना चाहिए ना भाई, एलिमिनेट क्या होता है. करेक्ट, सो दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी राइट. समझ में आ गया, दिख गया स्टेटमेंट के अंदर ही दिख गया. कैन यू सी दिस इन द विद इन द स्टेटमेंट. हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस. है ना, हाइड्रोजन अप टू 1/5, अप टू 1/5 यानी अप टू 20%, 1%, 2%, 10%, 18%, 20%. सो इट इज सेइंग फ्रॉम 0 to 20% बाय वॉल्यूम. ये रेंज आ गई, बात समझ में आ रही है, रेंज. हियर इट इज अ रेंज, क्लियर. सो इट इज अ रेंज गिवन. व्हेन एवर आई हैव स्पोकन अबाउट डेटास, क्या समझाया मैंने, व्हेन द एग्जामिनर इज स्ट्रेसिंग ऑन अ पर्टिकुलर डेटा टू बी स्पेसिफिकली करेक्ट. Whenever the examiner is stressing on a data to be particularly correct, then that statement would be incorrect. ठीक है, क्योंकि वहां पे examiner जोर डाल रहे हैं उस डेटा पे. यहाँ पे जोर नहीं डाल रहे इस डेटा पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अप टू 1/5. सो हियर वी शुड थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. देन लास्टली, HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG. आप मुझे बताओ, वेन एवर देर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कम्स इनिशियली, इज इट एक्सपेंसिव और इज इट चीप. जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, व्हेनेवर देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, जब वो महंगी होती है, सस्ती होती है इनिशियली. धीरे धीरे व्हेन द रिसर्च गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देन यू स्टार्ट सीइंग क्या, चलो ठीक है, चीजें धीरे धीरे सस्ती हो रही हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बोलूं, ई व्हीकल एंड ई ई कार, एन इलेक्ट्रिक कार इज लेस एक्सपेंसिव देन अ मारुति स्विफ्ट. सबको पता है ना कि दिस इज नॉट ट्रू भाई, ऑब्वियसली. चाहे वो एनवायरमेंट को कितना भी बचा रही है ना, कितना भी बचा रही है, इट कांट बी सस्ती भाई. कितना महंगा है टेस्ला, है ना. कह रहा यहाँ तो मारुति भी महंगा ही है, बट टेस्ला तो और भी महंगा है ना. सो दैट इज द पॉइंट. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. अब आपको क्यों जरूरत है ऑप्शंस देखने की, आपको दिख नहीं रहा है क्या, दैट दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. सो यू हैव टू, यू गोट टू पेयर्स या टू ऑप्शंस दैट आर करेक्ट. ठीक है, बात समझ में आ गई, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. चलिए देन लेट्स मूव अहेड. क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, 2, 3. सो द आंसर विल बी बी. ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड. ओके, 3000 हो गए, चलो गुड. बट सी अगेन, द नंबर इज रिड्यूसिंग, राइट. इन द लास्ट लेक्चर इट वॉज 4000 आई गेस, नाउ इट इज 3000. दैट इज वॉट आई बीन टेलिंग यू. चलिए, या कांट भी सस्ते, बिल्कुल. यू हैव टी शर्ट विद दीज नेम्स, कांट भी सस्ते. ओके, Why are dew drops not formed on a cloudy night? Dew drops क्यों form नहीं होती है cloudy night? वैसे cloudy night वैसे क्या हो जाता है? What is so different about a cloudy night? What is so different about clouds being there? क्या कर देते हैं clouds ऐसा? Clouds absorb the radiation released from the earth's surface? Obviously no. ये तो statement ही गलत है ना अपने आप में. This statement is wrong with regard to cloud in itself. They don't absorb the radiation. They reflect back the radiation from earth, right? So this is a wrong statement in itself. Not just a wrong reason, but a wrong statement also. Yeah, first it was 9,000. It was close to 9,000 on day one. No, 8.5. 8.5 plus it was.
एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 3, तो ये होगा है ना बीच में। अब मैं सेशन देने बंद कर दूंगा, लाइव दूंगा, लाइव के बाद रिकॉर्डिंग देने बंद कर दूंगा, स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स, तो अपने आप ही लोग सीरियसली बैठ के करेंगे। चलो, क्लाउड रिफ्लेक्ट्स बैक द अर्थ रेडिएशन, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, दिस इज व्हाट द रीजन इज, है ना। एक तरफ एब्जॉर्ब द रेडिएशन बोल, एक तरफ रिफ्लेक्ट बैक द रेडिएशन बोल रहा है। ऑब्वियसली व्हेन इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग दैट विल रिफ्लेक्ट बैक, ये आपका आंसर हो गया। द अर्थ सर्फेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स एंड द क्लाउड रिफ्लेक्ट्स द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। नाउ बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग, बिकॉज इफ द टेम्परेचर वुड बी सो लो, ड्यू ड्रॉप विल बी इंक्रीज एंड इट विल नॉट बी लो। जब क्लाउडी होता है तो क्या बोलते हैं, ह्यूमस हो रही है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर गेट्स हायर। सो दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, द आंसर विल बी हियर बी। सिंपल सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल बेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली गिवन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, डायरेक्टली गिवन फ्रॉम पॉलिटी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 44th अमेंडमेंट वॉज टू री इंस्टीट्यूट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आएगी या जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट आएगी वो 44 में नहीं आएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। देन सुप्रीम कोर्ट इन द 99th अमेंडमेंट स्ट्रक इट डाउन एंड इट सेड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। इसी को बोलते हैं आपका द केस ऑफ एनजेएसी, राइट, द एनजेएसी केस, जिसकी जरूरत बहुत है हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने नहीं दे रहा है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट, द आंसर इज गोइंग टू बी 45 का 2 ओनली, व्हिच इज बी। ऑल राइट, अंडरस्टूड। चलिए, लेट्स मूव अहेड। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस एक्ट 1968। क्या समझाया मैंने आपको, समझाया ना ये चीज, दैट व्हेनेवर इट सेज दैट एन अथॉरिटी कैन नॉट डू इट और एन अथॉरिटी हैज टू डू इट, इन बोथ केसेस इट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। आपने देखा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू प्रोटेक्ट ऑल द वेटलैंड्स, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट ऑल द वेटलैंड्स। तो जब भी आप एक अथॉरिटी को बाध्य कर रहे हैं या जब भी आप एक अथॉरिटी को कह रहे हैं कि नहीं कर सकती है, दोनों केसेस में इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट। यहाँ पे व्हाट यू आर सेइंग इज द मोशन टू इम्पीच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर, कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। ओके, यू आर कंप्लीटली सेइंग द स्पीकर कैन नॉट डू सच अ थिंग, रॉन्ग होगा, है ना। समझाया ना मैंने चीजें, कैन यू सी दीज थिंग्स, कैन यू नाउ डायरेक्टली सी दीज थिंग्स। चलो, नाउ लुक एट दिस। नाउ आई डोंट वांट यू टू जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट टिल हेयर, है ना, इसके बाद का भी पढ़ के रखना। एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, सो द एग्जामिनर इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हैज टोल्ड यू दैट देयर इज एन एक्ट बाय द नेम ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, बता दिया सबसे पहले स्टेटमेंट में। चलिए, लेट अस मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स। हां जी, नहीं सिखाया, नहीं समझाया मैंने, नहीं बताया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल्स। भाई, डिटेलिंग करना मैक्सिमम केसेस में पार्लियामेंट का काम होता है। इन मैक्सिमम केसेस डिटेलिंग इज अबाउट द पार्लियामेंट, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट व्हाट इज इट सेइंग इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल डिफाइन दैट दिस 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 इज इनकैपेसिटी, दिस 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 इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, एंड देन इट विल गिव डिटेल आल्सो कि भाई अगर कोई गुटखा खाता हुआ मिल जाए जज तो हो जाएगा उसका प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अरे भाई नहीं है ना यार, ऐसे नहीं होता है। दिस लाइक क्यों है फिर, ये वाला एक्ट है ना उस चीज के लिए दिख रहा है ना कि एक एक्ट है, देयर इज सम एक्ट रिगार्डिंग इट। व्हाई वुड द कॉन्स्टिट्यूशन डू सच अ थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड होती है, एक्सप्लेन होती है चीजें। इट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एग्जैक्टली। सी दिस, द एग्जामिनर इज टेलिंग यू दैट देयर इज दिस एक्ट जहां पे ये बातें दी हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग एंड दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, इट विल नॉट बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर इट विल बी इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट। ऐसे ज्यादा हंसो मत, मेरे मुंह से निकल गई गुटखा वाली बात, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तुम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाओगे, ठीक है। ओके, द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड बाय नॉट लेस। तो ये तो स्पेशल मेजोरिटी की डेफिनेशन दे रहा है, सो इट इज सिंपली सेइंग द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग एंड यू हैव टू पास इट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ठीक है, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, नथिंग एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट इट, सो कुछ नहीं है, दिस इज सिंपल स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो इन क्वेश्चन नंबर 46 वेरी सो द आंसर ऑफ 3 एंड 4। समझ में आ गया सबको ये, एवरीबॉडी क्लियर विद इट? बताओ मुझे, एवरीबॉडी क्लियर विद व्हाट आई एम एक्सप्लेन्ड हियर? सबको समझ में आ गया ये?
All right, chalo, good. So the answer will be C. Let's move ahead. The ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. मुझे ये भी पढ़ता है तो फिर ये भी बताना पड़ता है, इसमें भी समझाना पड़ता है तो फिर लानत है ना. आई शुड नॉट लाइक हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग. सो द नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड इट वाज डन ड्यूरिंग द ऑब्वियसली ड्यूरिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट वाज श्री जवाहरलाल नेहरू जी. ऑलराइट, सो द आंसर गिवन हियर इज 47 का ए हो जाएगा. ओके, वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट, वेरी ऑब्वियस. चलो फिर लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 48. कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी. ओके, नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड ऑन लॉटरी बेसिस. Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. ठीक है, दिख रहा है? गलतियां दिखनी शुरू हो रही है. Can you see the mistakes directly now? Coal blocks are now allocated on lottery basis. मतलब the examiner is coming and telling you, देखो भाई, coal block allocation में there is a lot of घपला. है ना, लॉटरी के बेसिस पे कर रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई there are no parameters. Right? यही समझाना चाह रहे हैं ना. सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज वेरी प्रिटी ऑब्वियस दैट दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ओके, नाउ सम पीपल माइट थिंक यार इंदिरा गांधी गलत दे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं. सो दिस स्टेटमेंट माइट आल्सो गो इनकरेक्ट. थर्ड, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन. है ना, कि एक महीने पहले इंडिया इंपोर्ट कर रहा था लेकिन अब इंडिया सेल्फ सफिशियंट है, अब इंडिया सडनली बहुत कोल प्रोड्यूस कर रहा है. तो लाइक कैसे पॉसिबल है यार? ऑब्वियस है ना, कैसे नहीं होता है. राइट, कि सडनली आउट ऑफ नो वेयर यू, ऐसे कोई कॉल की खजाने तो खुद नहीं गई है कोई गवर्नमेंट की, नहीं पॉलिसी तो आगे नहीं है कॉल पे. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज ऑब्वियस. तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. नहीं होता ऐसे. ठीक है, कि ये हो रहा था लेकिन अब ये होने लगा है. ठीक है, तो वॉट दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली में करेक्ट करेक्ट क्या है? इंडिया इंपोर्ट्स कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, ये स्टेटमेंट है. नो द एग्जामिनर कैन नॉट जस्ट गिव दिस स्टेटमेंट, उसको गलत बनाना है तो वो फोर्स करेगा आपको, तो वो कैसे फोर्स करेगा आपको? बट नाउ, अब हम है ना, रिसेंट में तो हम कर रहे थे इंपोर्ट लेकिन अब से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए प्रोडक्शन में. पुश यू टुवर्ड्स इट, मार दे मार दे भाई, इसको सही मार दे, अपने नंबर दे दे मुझे. है ना, हम अपना नंबर नहीं देते हैं, हम सख्त हैं, हम अपना नंबर नहीं शेयर करते हैं, मार्क्स भी नहीं शेयर करते, नंबर भी नहीं शेयर करते. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट. हाउएवर, द एग्जामिनेशन यू कैन फील दैट इंदिरा गांधी माइट नॉट बी दैट, बट ठीक है, एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यहां से आपको ये बात पता चलनी चाहिए. सो दिस पर्टिकुलर व्हाट विल बी द आंसर है? द आंसर विल बी दैट ओनली द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. ठीक है, चलिए. ओके, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट का कोई एक्ट है वो एग्जेम्प्ट करता है सेवरल पोस्ट को फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. बात समझ आ रही है? नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट. नाउ इट इज नॉट सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स व्हिच ऑल पोस्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द आर्टिकल दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दिस. नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा ना, बदतमीजी नहीं कर रहा है ना. दिया ना चुपचाप एक एक्ट बैठ के, नहीं लिखा ना कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहीं इस पे थर्ड पे ले आओ, bring it to third statement, the term office of profit is well defined in the constitution of India. अरे भाई, जब एक particular act में सब कुछ दिया है, तुम उस act की बात कर रहे हो, तो ये करने की क्या जरूरत है? Why do you need to do this? That office of profit is well defined in the constitution of India. Obviously, this is going to be incorrect. बात समझ में आ गई? Can you draw parallels? Can you draw parallels? हाँ जी. हाँ जी, understand UPSC के students. Can you draw parallels? यही समझा रहा हूँ. ठीक है, यही बता रहा हूं. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट. नाउ लुक एट द सेकंड वन, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 times. ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि सच स्टेटमेंट्स विल बी गो इनकरेक्ट. ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होंगे, लेकिन यहाँ पे इस केस में स्टेटमेंट सही है ना. अब इन इस पर्टिकुलर टाइम पे ये आसान था. इन 2019 इट वॉज इजियर टू सॉल्व इट बाई लुकिंग एट द ऑप्शंस. राइट, कि भाई ओके, देर इज नो वन ओनली, सो थर्ड तो बिल्कुल गलत है ही, सो आंसर विल बी 1 and 2. इन दीस केसेस इट वाज इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. हाउएवर, इन 2023 इट विल बी टफ, बिकॉज नाउ आई विल टेल यू कि भाई डेटा आसान, डेटा गलत करना आसान है, सो काट दो इसको एंड इट्स ओके. कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इट्स ओके. कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कोई बात नहीं. चलिए,
तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ चीजें आप, आई होप यू गेट दिस। जहां पे लग रहा है कि टफ है वहां पे बता रहा हूँ ना मैं कि टफ है ये, तो जहां पे मैं बता रहा हूँ कि इजी है वहां ये भी समझो कि इजी है। ओके, व्हेन आई एम टेलिंग यू इट इज टफ और टफर, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट विद माई, लाइक मैं समझा रहा हूँ आपको वो। तो जहां मैं आसान बता रहा हूँ ना, उस समझने की कोशिश करो मैं क्यों बता रहा हूँ। अरे हो गया सुषमा भट्ट, बस 25 बार ये मैसेज भेज चुके हो, सुन लिया संध्या ने बात आपकी, हो गया, रुक जाओ, अभी प्रिया मैम आपको वो कर देंगे, टाइम आउट कर देंगे। चलो, अंडर विच स्कीम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। वेरी इजी है ना, डायरेक्टली स्केड्यूल्स आर गिवन, स्केड्यूल्स आपको याद करने हैं। चलो ठीक है, स्केड्यूल्स रिवाइज कराता हूँ, करोगे रिवाइज? चलो लेट्स रिवाइज स्केड्यूल्स। टी, एक सेकेंड, टी ई ए आर एस ओ एफ ओ एल डी पी एम। चलो करो रिवाइज। हाँ जी बताओ फटाफट, आते हैं सबको ये? एवरीबडी नोज स्केड्यूल्स, एवरीबडी नोज दिस? ठीक है, सबको पता है कैसे रिवाइज करना है? गुड, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, गुड, ठीक है, चलो गुड 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 गुड, ओके ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में द आंसर विल बी बी, फिफ्थ शेड्यूल। ऑल राइट, सिंपल। चलिए 51, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नाउ दिस इज अगेन इन न्यूज बिकॉज देयर इज अ पीएम जन जनमन, ऐसा कुछ स्कीम है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, जनमानस समथिंग या जनमान, ऐसा कोई स्कीम है, एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ मैं, बट देयर इज दिस स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर पीवीटीजीज रेसिडेंशियल, उनको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, टू प्रोवाइड देम विद रेसिडेंस और समथिंग। देयर इज सम स्कीम दैट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड, और अभी इसी वीक मतलब इसी मंथ में जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, उसके तहत पहला फंडिंग का राउंड रेज, पहला फंडिंग का राउंड छोड़ा है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके क्लियर? सो ये वाली चीज है, तो आपको याद रखना है दैट अगेन पीवीटीजीज आर इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर ईयर, इट इज अ पीवाईक्यू एंड द स्कीम इज लॉन्च्ड एंड इन द बजट आल्सो इट वाज मेंशन्ड, जनमन, करेक्ट करेक्ट, जनमन जनमन ठीक लिखा है मैंने, जनमन ही नाम है। ओके ओके, डन डन डन, हाँ ठीक है, तो यू टू रिमेंबर दिस। हाँ कोई हाउसिंग रेजिडेंशियल स्कीम है, ओके डन। चलिए, पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी, ऑल राइट, अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, अभी देखो है ना समझ में आ रहा है, इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी, मतलब बोल रहे हैं ना एग्जामिनर कि भाई और क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन ऑफ द सेवरल क्राइटेरिया, इट इज नॉट सेइंग इट विल बी 1000 क्राइटेरिया, ओनली वन क्राइटेरिया, ओनली क्राइटेरिया, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट, करेक्ट होगा, डेटा है इनकरेक्ट होगा, ठीक है, दो डेटा दे रखे हैं, एक भी गलत आसान है ना करना, सो इन दिस केस वी विल कंसिडर इट इनकरेक्ट, विल दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड सो फार इन द कंट्री, ओके, इरेगुलर एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज, ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज गोइंग टू बी अ मिसमैच, अब यहां पे इशू होगा। अब नाउ नाउ व्हाट आई वांटेड टू नो इज दैट इधर ये गलत या फिर ये गलत, ठीक है, इधर दिस इज रॉन्ग और दिस इज रॉन्ग, तो डेटा देख के चलो हम इसको भी गलत मान ले, नाउ दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, ये मैंने समझाया था आपको, यही मैं समझा रहा हूँ ना, पैटर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, व्हाट इज द पैटर्न, आई टोल्ड यू व्हेन इट वाज गिवन दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझाया था मैंने, समझाया था ना, दिस पर्टिकुलर इज पर्सन इज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 2019 या 2018 के पेपर में था ये, एंड आई टोल्ड यू दैट द एग्जामिनर विल नॉट गो थ्रू द बर्डन ऑफ चेकिंग थ्रू अ लिस्ट ऑफ 200 300 पीपल एंड देन कमिंग आउट विद अ नेम, ऑब्वियसली वो एक नाम उसमें से उठाएगा दे देगा, सेम चीज यहां पे है, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, पैटर्न्स पकड़ने हैं, पैटर्न्स 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 पैटर्न्स, ठीक है समझ में आ गया, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट, नाउ वी नो दैट सेकंड एंड फोर्थ आर फॉर श्योर करेक्ट, तो दो और चार ठीक है, तो अब हमारे पास डाउट आया कि भाई वन और थ्री में से कोई एक तो करेक्ट होने वाला है, सो द वन विल बी करेक्ट और थ्री विल बी करेक्ट, ठीक है, नाउ इट इज इजी, अब यहाँ पे आपको इसमें से एक ही करेक्ट मानना है, तो आपको क्या दिख रहा है, विच इज एन इजियर क्वेश्चन, इजियर वन टू पुट रॉन्ग, गलत करना किसका आसान है, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आपके दिमाग में ये आता है, याद द केस ही नहीं होगी कॉन्सेप्ट, करेक्ट, गुड गुड सिद्धि, द केस ही नहीं होगी कॉन्सेप्ट, नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है, सो देयर वाज 75, तो व्हाट द एग्जामिनर डिड वाज 75 को 95 कर दिया इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस वन इनकरेक्ट,
ठीक है, इसको इनकरेक्ट बनाया, आसान था उसके लिए, इनकरेक्ट है ना, 75 को 95 कर दिया है ना, 75 का बस इतना घुमा के इसको 95 कर दिया, दैट इज व्हाट ऑल व्हाट द एग्जामिनर डिड। बट आई एम टेलिंग यू चांसेस हैं, चांसेस देयर आर चांसेस दैट यू विल एंड अप मार्किंग इट रॉन्ग। बट नाउ नाउ लुक एट व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ, व्हेन यू सी सच क्वेश्चंस इन अ पैटर्न ऑफ 2023, इफ दैट पैटर्न इज रिपीटेड एंड व्हेन यू सो सी सच क्वेश्चंस, नाउ इट बिकम्स इजीियर फॉर यू बिकॉज नाउ यू नो दैट ईदर ऑफ वन एंड थ्री इज गोइंग टू बी करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स की तो डेटा गलत देगा नहीं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, सो ईदर ऑफ दीज हैज टू बी करेक्ट, सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली थ्री विल बी द आंसर, इवन इफ यू डोंट नो विच ऑफ दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट यू विल मार्क द आंसर करेक्ट। पेयरिंग में ये इजी हो, बहुत बढ़िया, आप प्रेरणा ने मेरे कहने से पहले बता दिया, ब्रिलियंट, यही समझा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस अगर उससे टफ हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस इससे इजी भी होंगे। हाँ मिथिलेश को भी बात समझ में आ गई है, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट, अभय को समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, राइट right? सो बहुत सिंपल हो जाएगा तेरा, इसको तीन कर देना, थ्री ओनली कर देना, थ्री पेयर का करेक्ट कर देना, ये है। कुछ क्वेश्चंस वहां से टफ होंगे तो कुछ क्वेश्चंस इजी भी होंगे, अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन टू योर दिमाग, यू विल बॉयल डाउन इंटेलेक्ट, बॉयल डाउन एप्टीट्यूड, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये समझाना है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52, बट देयर सो मेनी पीपल हु अटेंडेड रेगुलरली, आई एम सो इंप्रेस्ड विद दिस, सो मेनी पीपल हु अटेंडेड रेगुलरली इसे टाइम पे आके, ब्रिलियंट यार, चलिए ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर 142, इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल 142 आपको क्या पावर देता है सुप्रीम कोर्ट का, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, इलेक्शन कमीशन ये वो कुछ नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई कोई भी पार्लियामेंट से बना हुआ लॉ को सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रेंड नहीं है मानने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। बताइए मुझे व्हाट इज द नेम गिवन टू आर्टिकल 142, क्या नाम देते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, आर्टिकल 142, देखते हैं कौन बताएगा, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेल सच अ थिंग, व्हाट इज द आर्टिकल 142 कॉल्ड, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर इट, हाउ मेनी ऑफ यू रेड पॉलिटी नाइसली, लेट मी सी फटाफट से, ओके वी हैव आंसर्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट, ठीक है ओके, गॉट द आंसर, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नोन एज कंप्लीट जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ क्या है, ठीक है, आर्टिकल 142 याद होने चाहिए, कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे बाय हार्ट होने चाहिए, आर्टिकल 142 सेज द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन कैन पास सच ऑर्डर्स एज नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस, सो दिस इज नोन एज द कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकती है जो कंप्लीट जस्टिस कराना हो जिसमें, और ये चीजें एंड दीज विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, चलो गुड ओके गुड टू सी, नॉलेज है ना, सिंपल सी बात है, नॉलेज वॉलेज की चीज है यार, ओके देखो बट बाकी स्टेटमेंट देखो भी एक बार तो दिखेगा कि यार बाकी गलत है, डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कहां लिखा है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर देगा आपसे, आप कोर्ट में जाके चैलेंज ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इनकरेक्ट है भाई। देन इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट, नाउ टेल मी फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल बिल्कुल अलग है, 142 में क्या कर रहे हैं वो, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकर्स ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, व्हाट डज इट हैव टू डू विद 142, 142 का क्या लेना देना, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर्स कहाँ पे शुरू होता है स्टेट, अरे तो यूनियन ही खत्म नहीं हुआ है, स्टेट तो बहुत आगे जाके शुरू होता है भाई, स्टेट स्टार्ट्स एट 152, 151 तक तो यूनियन ही चल रहा है, तो कहां से आ जाएगा ये, सो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट, सब इनकरेक्ट हो जाएंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक समझ में आ गया, चलिए लेट्स मूव ऑन विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द कमन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, असेंबली के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, देन सेकंड इज, तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू आल्सो बी करेक्ट, वेरी सिंपल वेरी बेसिक है ना, इसमें लोग पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज थे स्टेटमेंट में, मेरे अकॉर्डिंग इट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि अगर मैं एक स्टेट लेजिस्लेचर हूँ, मेरा कोई रूल नहीं है,
तो मैं लोकसभा से वो रूल बोरो कर लूंगा, आई फॉलो द लोकसभा रूल इन दैट मैटर. व्हाई इज इट टफ? आई डोंट थिंक इट इज टफ, आई थिंक इट इज वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट. भाई मैं कहां से उठाऊंगा, आई नॉट गो टू बरमूडा एंड बरमूडा ट्रायंगल से थोड़ी उठा के लाऊंगा, युगांडा का रूल थोड़ी उठाऊंगा. ऑब्वियसली द स्टेट लेजिस्लेचर विल लुक टुवर्ड्स इट्स हायर डैडी व्हिच विल बी पार्लियामेंट, लोकसभा. करेक्ट? तो दिस पर्टिकुलर बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट एंड द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ. चलिए, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर. एंड इट इज, तो पहले स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है, ओके. करप्शन ध्यान से पढ़ना है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है. कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्मगलिंग, ठीक है, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स विच इज अ ट्रांसबॉर्डर क्राइम. चलो लेट अस लुक, यूएनसीएसी इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट. ओके, लेट अस होल्ड इट फॉर नाउ. अ हाईलाइट ऑफ द, अब कोई और कन्वेंशन लेके आ रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. Transnational organized crime is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly. बात समझ में आ रही है? Now it is saying कि transnational organized crime का inclusion है, chapter, एक chapter है aimed at returning assets to their rightful owners from whom they have been taken illicitly. एक और चीज की बात कर रहे हैं, United Nations Office on Drug and Crime mandated by its member state to assist in the implementation of both these things. इन दोनों चीजों पे ये चीज आपकी मैंडेटरी है कि भाई मैंडेटरी ने मतलब मैंडेटेड है कि आप इन दोनों को हेल्प करोगे, असिस्ट करोगे. आप देख रहे हो सबसे जल्दी अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उसमें सही मानूंगा ना, इफ आई गो टू वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड से कि भाई ये तो पक्का ही करेक्ट है, दैट इज गोइंग टू बी दिस दिस फोर्थ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट. क्यों? इट इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट, सिंपलेस्ट. यहाँ पे कुछ नहीं बोला भाई इसने कि नहीं इट हैज टू डू दिस, इट इज मैंडेटरी टू डू दैट. सिंपल बोला है हेल्प करेगा मेंबर स्टेट्स की, नो यू डोंट हैव टू स्किप. गलत, द हार्डर दे लुक द इजियर दे फॉल. अरे रुको तो सही भाई, रुक तो जाओ, रुक जाओ. सो दिस डोंट स्किप, डोंट, नो नो नो, डोंट हैव टू स्किप देम. सुनो बात, दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, बहुत सिंपल है ये कि एक पर्टिकुलर ऑफिस है, इट विल हेल्प दीज टू थिंग्स, इनके इंप्लीमेंटेशन में, सीएसी और टीओसी के कन्वेंशन, जो दो कन्वेंशन है इनके इंप्लीमेंटेशन में, यूएन ओडीसी हेल्प करेगा. इतना सिंपल है ये, नहीं करना इसको स्किप, बहुत सिंपल है, कोई मैंडेटरी वैंडेटरी नहीं लिखा यहाँ पे, वेरी सिंपल. नाउ लुक एट दिस, इट वाज टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट इज अ करप्शन और अ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. हाँ, एंड रिटर्निंग एसेट्स टू द राइटफुल ओनर्स जिनसे वो इलीगली ले लिए हैं, इज इट अ ट्रांसनेशनल क्राइम या इज इट अ करप्शन? What this particular, in this particular case, what the examiner did was, it just made these two statements to be interchanging. In those statements को interchanging बना दिया. ठीक है? नहीं नहीं मैंडेटरी और मैंडेटेड का मतलब अलग अलग होता है. मैंडेटरी होता है कि आपको करना ही करना पड़ेगा, मैंडेट होता है कि आपका मैंडेट क्या है, आप कितने दायरे में काम कर सकते हो. मैंडेटरी होता है ऑब्लिगेशन, मैंडेट होता है एक दायरा होना. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, so what the examiner did here was it swapped these two statements, first aur third ko swap kar diya. theek hai, clear? and in their particular case this statement will become correct. it is the first ever legally binding global anti corruption instrument. however it looks very extreme and exam mein you can get it incorrect, ho sakta hai. theek hai, exam mein itna ekdam aise soch pana, it is tough. theek hai, and it can get incorrect. मतलब आप इसको इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो एग्जाम में आते हैं तो, बट इट्स ओके. हमें अब ये क्वेश्चन चला गया, दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू कम अगेन. व्हाट यू टू डेवलप इज द स्किल, व्हाट यू टू डेवलप इज द इंटेलेक्ट, व्हाट यू टू डेवलप इज द एप्टीट्यूड. ऑलराइट, ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस द आंसर विल बी टू एंड फोर. या सो द आंसर विल बी टू एंड फोर सी. ओके चलो, हाँ ठीक होंगे क्वेश्चंस यार, सॉल्व विद एमसीक्यू एप्टीट्यूड, गॉट इट राइट बिकॉज ऑफ मैथ सेशंस. बहुत बढ़िया होगा यार, ये होगा एग्जाम में भी होगा. आप बस जितना कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ करते जाओ, सब होगा, सब होगा. ठीक है, यहीं से होंगे, यहीं से आएंगे नंबर, टेंशन नहीं लेनी है, सब यहीं से होने वाला है. हाँ गलत कर दिया, कोई बात नहीं, दिमाग डेवलप हो गया ना, दिमाग की बत्तियां खुलनी चाहिए. जब तक अपने तरीकों पर सही हो, है ना, एक चीज होती है मीन्स, एक चीज होती है एंड. जब तक मीन सही है, जब तक रास्ता सही है, तब
तब तक एंड कभी कभी गड़बड़ भी होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इवेंचुअली द एंड विल बी करेक्ट, इवेंचुअली द एंड इज क्लियरिंग प्रीलिम्स, वो हो जाएगा। बात समझ आ गई है? चलिए, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द आईएफए 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बू। बोला था ना मैंने पिछले 2018 के पेपर में भी कितना इंपॉर्टेंट है ये, दिखाया था मैंने आपको लाइव न्यूज़पेपर सेशन में दे रखा था इसका आंसर, लाइव न्यूज़पेपर हिंदू इसका आंसर दे रखा था 2018, यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही चीज है, ध्यान से सुनो। एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बू ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज, जो फॉरेस्ट एरिया पे ग्रो हो रहे हैं उनको आप गिरा सकते हो। नहीं, कैसे, क्या मीनिंग रह जाएगा फिर, फॉरेस्ट तो खत्म हो जाएगा ना, यही तो बात है। फॉरेस्ट एरियाज में जो बैम्बू, अगर आप उस पे राइट टू फेल दे दोगे तो व्हाट डज दैट मीन, दैट एनी फॉरेस्ट ड्वेलर कैन कट ऑल द बैम्बू ट्रीज ग्रोन इन द फॉरेस्ट एरियाज, एंड हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एरियाज भाई, फिर तो फॉरेस्ट एरियाज नहीं हो रहा है कुछ भी ना। ठीक है, ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। देन एज पर द एस टी एंड ओ टी एफ ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, बैम्बू इज एम एफ, बिल्कुल सही है, बैम्बू एम एफ पी, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, एवरीबॉडी नोज दिस, सब पढ़ के रखता है। द अगेन दिस शेड्यूल टाइप ऑफ ओ टी एफ, यही जो एक्ट ऊपर दे रखा था इसी की बात नीचे कर रहा है, अलाउज ओनरशिप ऑफ एम एफ पी टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अगेन वेरी सिंपल, ये एक एम एफ पी है, एम एफ पी की ओनरशिप फॉरेस्ट ड्वेलर के पास होती है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उसको आप फॉरेस्ट एरियाज में काटने लगोगे, गिराने लगोगे। ठीक है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, इट इज एन एम एफ पी, उसकी ओनरशिप आपके पास है, बट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डज नॉट से कि आप फॉरेस्ट एरियाज में उसको फेल कर सकते हो। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस द आंसर इज गोइंग टू बी 2 एंड 3। ऑलराइट, दिस केम फ्रॉम बजट, बजट में इस चीज डिस्कस हुई थी, एंड दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम बजट, पढ़ा दूंगा इस बार का, डोंट वरी अबाउट इट, क्वेश्चन टफ है ये, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में इट इज अ टफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स नॉलेज एंड रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायर्स अपडेशन, तो ये टफ क्वेश्चन है, इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट्स ओके, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफी काफी ऐसे इंटरलिंकेजेस मांगते हैं, इट्स ओके। विच आर्टिकल, बहुत सिंपल है ना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट टू मैरी, किससे भी शादी करने की, सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है, तो जिस दिन भी घर पे आपको एक कूटे जाने की बात हो रही हो उस दिन आपको बोलना है नहीं नहीं ये मेरा आर्टिकल 21 है, कूटे तो फिर भी जाओगे, तो कोई बात नहीं। ऑल राइट, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। नाउ 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 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज व्हाई, व्हेन दिस क्वेश्चन केम, पेप्सी को चैलेंज्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड नाउ अ हाई कोर्ट हैज गिवन डिसीजन इन फेवर ऑफ पेप्सिको। ठीक है, अब पेप्सिको के फेवर में डिसीजन आ गया है, और जो लेज जिस पटेटो से बनती है, जिस आलू से बनती है, नाउ दैट प्रोसेस, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी पेटेंटेड बाय पेप्सिको, तो पेप्सिको जीत गया उस लॉ सूट को, देख रहे हो कब से चल रहा है ये। ठीक है, सो इस टाइम पे और अब में डिफरेंस आ गया इस चीज में, सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम दिस क्वेश्चन वाज, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। ठीक है, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, फिर तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है कि ऐसा कोई बोर्ड हो सकता है, क्यों आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, दैट देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड होता है वो इंडिया में नहीं है, क्या लॉजिक है भाई ये, लाइक गेटिंग इट, दिस इज लाइक सेइंग देयर इज नो आबरा का डाबरा इन इंडिया, सो ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज आबरा का डाबरा, हाउ कैन यू थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डजंट एग्जिस्ट, और क्यों नहीं होगी भाई, आईपी के, अगर मेरे को कोई आईपी इश्यूज हैं, वेयर विल आई गो एंड अपील, सो दिस इज द वियर्डेस्ट स्टेटमेंट एंड दिस विल बी इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना, बिल्कुल ही गलत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, द मोनसेंटो केस, करेक्ट, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ये ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, अभी इसमें क्या होना है, वी विल हैव अ लुक एट दैट, सो इट इज अगेन कमिंग इन करंट अफेयर्स, ओके, दिस इज अगेन इन करंट अफेयर्स, इज अगेन इन न्यूज, वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू सी दैट कि ये क्या चल रहा है, बट फॉर नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 3 ओनली, अब इसमें क्या अपडेशंस होंगे, वी विल अगेन लुक एट इट। ठीक है, आईपी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव आल्सो, मेंस में डायरेक्टली दिया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डायरेक्टली गिवन इन सिलेबस, मेंस के सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है ये। चलिए, लेट्स मूव अहेड, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नेक्स्ट, एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, एम्पावर्स है ना, एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन द प्रोसीजर एंड मैनर इन व्हिच इट इज सॉट, ये देखो अब यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ, एक बार इसको हिंदी में समझ के देखो, एक बार अपने लोकल ट्रांसलेशन अपने दिमाग में लेके आओ, जस्ट ट्रांसलेट इट इन योर हेड, इट इज सेइंग दैट
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डू व्हाट, टू टेल दैट पब्लिक पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. ठीक है चलो ओके सिंपल. द प्रोसीजर द मैनर इन विच दिस पब्लिक पार्टिसिपेशन हैज टू कम, दिस इज ऑल्सो मेंशन इन द ईपीए कि गवर्नमेंट ये भी बता सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन आपको ऐसे लेके आना है. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में ऐसी चीजों को ठीक मान सकते हो. ओके ये तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. ये तो करेक्ट होना ही है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर वन. हियर इन सच पर्टिकुलर केसेस, इन सच पर्टिकुलर थिंग्स इन एग्जामिनेशन, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू कट सच थिंग्स. ठीक है, लेकिन व्हेन यू लुक एट इट क्लोजली यू विल रियलाइज दैट टेलिंग थ्रू एन एक्ट और एम्पावरिंग द गवर्नमेंट टू टेल कि भाई इस प्रोसीजर में है ना समोसे चाय पिला के जनता इकट्ठी कर लो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इज नॉट अ थिंग. बट लुकिंग एट इट इन द एग्जामिनेशन इज अ टफ थिंग. ओके इट इज अ टफ थिंग. सो मैं खुद ही बोल रहा हूँ सच स्टेटमेंट इज ओके इफ यू गेट इट, इफ यू गेट देम इनकरेक्ट सच क्वेश्चन इट इज ओके, होंगे इनकरेक्ट कुछ क्वेश्चन, सो इट्स कंप्लीटली ओके, डरना नहीं है. प्रोसीजर एंड मैनर नहीं बताया जा सकता. आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इतने समोसे दे के लेके आओ, आप ऐसे चाय लेके आओ. यू कैन नॉट से सच थिंग्स, यू कैन नॉट डिफाइन सच थिंग्स. ठीक है, सो दिस फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, सेकंड इज गोइंग टू बी करेक्ट, आंसर इज गोइंग टू बी टू ओनली. ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके इफ यू गॉट दिस क्वेश्चन एज इनकरेक्ट. कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत होंगे एग्जामिनेशन में, यू डू नॉट सी देम वेरी इजिली. बहुत प्रैक्टिस और बहुत अंडरस्टैंडिंग लगते हैं ऐसी चीजों के चक्कर में, एंड इन चीजों के चक्कर में यू एंड अप मार्किंग द इजियर वंस रॉन्ग, क्योंकि आप अपने दिमाग पलट रहे हो. दिमाग नहीं पलटना है, ठीक है, दिमाग को चेंज नहीं करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करना है. चलो एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू फाइव कैटेगरीज. ओके है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, डेटा है 5 का 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 15 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली. सी दिस इज व्हाट द एग्जामिनर डज, यहां पे एटसेट्रा आना चाहिए था, उसकी जगह क्या करेगा, ओनली कर देगा. यहाँ पे कोई लंबी लिस्ट होगी और लास्ट में उसका एटसेट्रा लिखा होगा. नाउ व्हाट द एग्जामिनर विल डू इज ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी लिखेगा और एट ओनली भी लिख देगा. ये बिल्कुल ही गलत है ना. ये मैंने आपको क्या बताया था, एक बार बताया था ना मैंने कि व्हेन लिस्ट इज गिवन एटसेट्रा इज रिटन इट विल बी करेक्ट, बिकॉज नाउ द एग्जामिनर इटसेल्फ, एग्जामिनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज एक्सेप्टिंग दैट देयर कैन बी लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स एज वेल. बट हियर व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग इज इट इज रेस्ट्रिक्टिंग कि भाई रूल्स ना एप्लीकेबल यही यही होते हैं, अर्बन यूएलबीज में होंगे, नोटिफाइड टाउन में होंगे और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में होंगे. क्यों भाई, गाँव में क्यों नहीं हो सकते या किसी और अर्बन सेंटर में क्यों नहीं हो सकते? दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनकरेक्ट. द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज. अगेन नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट माइट लुक रॉन्ग इन द फर्स्ट गो व्हेन यू लुक एट एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड ये किस चीज का बोल रहा है, लैंडफिल का बोल रहा है, भाई लैंडफिल का क्राइटेरिया तो बताना ही पड़ेगा ना. यू कैन नॉट से कि आप किसी इंसान के घर के बीच में लैंडफिल बना दो, खोद दो एक लैंडफिल कर दो, ऐसे थोड़ी होता है. यू हैव टू गिव अ क्राइटेरिया, इट्स अ टॉक्सिक थिंग. यहाँ जो गैसेस निकलेंगी, यू हैव टू गिव एन एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन कि भाई ऐसी लैंड होनी चाहिए, इतनी दूर होनी चाहिए, पानी से इतनी दूर होनी चाहिए, इतने डिस्टेंस की होनी चाहिए, इतना रेडियस होना चाहिए, इतना पैरामीटर होना चाहिए, एवरीथिंग. यू हैव टू गिव एन एलेबोरेट क्राइटेरिया बिकॉज इट इज अ लैंडफिल भाई. ओके इट्स समथिंग लाइक टॉक्सिक, गैसेज निकलनी है यहाँ से. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अभी चलो अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, लेट अस मूव टू द लास्ट स्टेटमेंट. इट इज मैंडेटरी, आगे सबसे पहली दिक्कत, ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर, ठीक है, दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव्ड टू अनदर डिस्ट्रिक्ट. लुक एट दिस, अब ये देखो ये बोल रहा है इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर, किसने भी वेस्ट जनरेट किया है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, आप और मैं भी तो सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं. सो नाउ दैट वेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर. भाई अगर लैंडफिल ही दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, एवरी डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट हैव अ लैंडफिल राइट, हर जगह तो एलिबरेट क्राइटेरियाज नहीं मीट हो सकते ना. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सेकेंडली सेकेंडली ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट है. इफ आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एक लाइक सॉलिड वेस्ट लेके, डू यू सी दी पुलिस पीपल स्टैंडिंग एवरीवेयर ऑन अ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एंड चेकिंग एवरी बैग किसमें सॉलिड वेस्ट उन्हें लेके जा रहे हो? ऑब्वियसली नहीं. हाउ विल यू इम्प्लीमेंट सच अ सजेशन भाई कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है, दिस लॉ इज नॉट बीइंग वायलेटेड? नॉट पॉसिबल भाई, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. करेक्ट, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट एंड देन सी विल बी योर आंसर. जिन लोगों का दिमाग चल जाएगा, जिन लोग जो लोग डेवलप कर लेंगे इंटेलेक्ट को, वो समझ जाएंगे, दे विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट लैंडफिल का क्राइटेरिया एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट ही होगा.
लूज क्राइटेरिया नहीं दे सकते आप इस केस में, इट्स अ लैंडफिल। ठीक, बात समझ में आ गई? सो हियर सी इज गोइंग टू बी द आंसर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 60। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms or companies to lay off workers. No notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary workmen. Now, these are the industrial employment center rules. The government was trying to do ease of business. Ease of doing business promote करना था, तो ये rules लाए गए थे. So, in case of, if in rules for fixed term employment मतलब एक particular term के लिए आपको employ किया है, permanent नहीं है आप, you are employed on a contractual basis for a fixed term. ठीक है? So, अगर ये रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो ऐसे वर्कर्स का हायरिंग फायरिंग इजी हो जाएगा. ठीक है, ये तो हम चाहते हैं ना. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल नॉट नीड अ टर्मिनेशन लेटर बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव पहले बता दिया ना आपने कि यू आर हायरिंग फॉर 6 मंथ्स. अब 6 महीने बाद आप फिर टर्मिनेशन लेटर क्यों देंगे? सो द गवर्नमेंट वॉज पुशिंग टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय डूइंग दीज टू थिंग्स. इट मेक्स इट इजियर फॉर द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय दोनों के लिए. परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में होगा तो गलत हो जाएगा बिकॉज वहां पे देर आर सोशल सेफगार्ड्स. हियर यू हैव टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यू हैव टू प्रमोट गिग इकोनॉमी, यू हैव टू प्रमोट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, एनी पर्सन हु हैज अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दिस थिंग्स विल बी एबल टू डू दिस, बट इट इज अ टफ क्वेश्चन. एग्जामिनेशन टफ क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन है. ओनली वेन यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट रिगार्डिंग हाउ द मार्केट इज फंक्शनिंग, how the trends are functioning, will it go? Okay? ठीक है, but some people can skip it, some people can mark it wrong, it's okay, skip कर दिए, कोई बात नहीं, कुछ questions skip होंगे, it's good, instead of marking it wrong, you're skipping it, it's good. ठीक है, शशांक ने सही किया है, okay, good. चलो, the service area approach was implemented under the purview of, it is very simple, it was under lead bank scheme, but it is a very knowledge-based question, it is from directly from PYQ. Directly sourced from PYQs, directly. आगे पीछे भी नहीं, directly sourced from PYQs. With reference to the management of mine and minerals in India, consider the following statement. We have already seen a question on mines and minerals. ठीक है, coal mine, wall mine, देख लिया सब questions. Now let us look at this. Sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. है ना, sand एक minor mineral है. बिल्कुल सही है ये. Everybody knows this. State government has the power to grant mining leases of minor minerals, but the power regarding the formation of rules related to grant of minor minerals lies with the central government. What is that? ये बोल रहा है कि state जो है वो माइनिंग लीज दे सकता है, द स्टेट कैन प्रोवाइड माइनिंग लीजेस. ठीक है, द स्टेट कैन प्रोवाइड माइनिंग लीजेस, बट द पावर ऑफ फ्रेमिंग द रूल्स ऑफ हाउ विल दोज लीजेस बी प्रोवाइडेड इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या लॉजिक है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल फ्रेम द रूल्स ऑफ हाउ द लीज ऑफ माइनर मिनरल हैज टू बी डन एंड देन स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दैट लीज ऑफ माइनर मिनरल्स. अरे नहीं ना भाई, इफ इट वॉज मेजर मिनरल आई कुड स्टिल एक्सेप्ट इट. I could still accept if it was a major mineral. It is not a major mineral. It is a minor mineral. Right? समझाया था similar question? समझाया था ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार. ये अब ऐसे में मुझे मजा आता है when people are like able to relate these things. बहुत बढ़िया, शानदार. State governments have the power to frame rules to prevent illegal mining. देख रहे हो ना? देख रहे हो? The examiner is telling you that the state governments also have the power to frame rules on minor minerals. Minor minerals की mining के लिए भी rules बनाने हैं. State government के पास वो power है. बट वो उनकी और देने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है माइनर मिनरल्स का, तो बीच में सेंटर क्यों आ रहा है फिर? है ना, बीच में सेंटर क्यों आ रहा है, क्यों कूद रहा है फिर? ठीक, समझ में आ गया, क्लियर? सो इन दिस पर्टिकुलर केस टू स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट, एनी टू पार्ट मतलब वन एंड थर्ड विल बी करेक्ट. 2023 में क्वेश्चन और आसान हो जाता है बिकॉज यू कैन इजीली सी दैट ओनली टू विल बी करेक्ट. ये तो आपको सिंपली दिख रहा है, इनमें से कोई एक करेक्ट हो गई होगा बिकॉज दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, तो मैं से कोई एक ही ठीक होगा. दे आर काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी. सो नाउ इन 2023 दिस बिकम्स इवन इजियर. अरे मैं ब्लैक पेन क्यों चला रहा हूँ देर से? ओके, 62 क्वेश्चंस हो गए. चलो ठीक है, लेट्स मूव अहेड. मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज. ओके, ये गुड इकोनॉमी क्वेश्चन. दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू. इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज नॉट ओन बाय गवर्नमेंट एंटिटीज बट रादर देन कॉर्पोरेट एंटिटीज. ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोटेड इन यूएस डॉलर्स. नहीं, ये भी गलत है. नो, अगेन इनकरेक्ट. दिस इज अ प्योर इकोनॉमी क्वेश्चन, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन. All of government is not in US dollars, बिल्कुल भी नहीं भाई. हर every country that we deal with, we have currency bilateral agreements, right? Rupee, ruble exchange agreement, फलाना डिमाका रूपी exchange agreement and all of that. So external debt is not entirely denoted in US dollars, obviously it's going to be incorrect. And external commercial borrowings are a higher part of it, so this is also incorrect. The answer will be neither. Okay, answer क्या हो गया यहाँ पे? Neither हो गया. अच्छा, बहुत लोगों को पता है यार ये. Very nice, I can see good people यार. गुड, बहुत बढ़िया.
ठीक है। अरे हाँ भाई, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स दे देंगे, परेशान हो गए आप लोग यार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल। एक चीज होती है एसेट, एक चीज होती है लाइबिलिटी। देर इज वन थिंग कॉल्ड एसेट, देर इज अनदर थिंग कॉल्ड लाइबिलिटी। सो वॉट इज योर एसेट जिसपे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, राइट? सो यू हैव मतलब एडवांसेस, आपने कोई लोन दे रखे हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग ऑन इट, यू विल गेट इट, आपको मिलेगा। सो दिस इज एन एसेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, यू हैव इन्वेस्टेड समवेयर, यू विल गेट अ रिटर्न ओवर इट, इट इज ऑल्सो एन एसेट। मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस, यू आर गेटिंग मनी, यू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, इट इज ऑल्सो एन एसेट। बट डिपॉजिट्स, लुक एट दिस हियर, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स पे बैंक को क्या देना पड़ेगा? द बैंक विल हैव टू पे ब्याज ओवर इट, है ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। सो द आंसर हियर विल बी बी। वेरी सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है इकॉनमी का, नॉट एट ऑल। ओके, ठीक है, क्लियर। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर कॉन्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस का रिस्क इंडिया में इनमें से किसकी वजह से बढ़ेगा, कम होगा? रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अ करेंसी क्राइसिस के कॉन्ट्रीब्यूटर हैं ये। विच ऑफ दीज विल रिड्यूस द करेंसी क्राइसिस रिस्क इन इंडिया? समझ में आ रहा है? विच ऑफ दीज विल रिड्यूस द करेंसी क्राइसिस रिस्क इन इंडिया? बहुत सिंपल है, करेंसी क्राइसिस कब आता है? सी, दिस इज इंडिया, दिस इज वर्ल्ड। नाउ व्हेन विल अ करेंसी क्राइसिस अकर? व्हेन वी हैव अ कंप्लीट फ्लो ऑफ करेंसी इधर से इधर, है ना। जितना हम उस फ्लो को रोकेंगे उतना हम करेंसी क्राइसिस से बचेंगे। जितना ज्यादा वो फ्लो तेज है, द फास्टर द फ्लो, द इजियर द फ्लो, द मोर वी आर प्रोन एंड वल्नरेबल टू द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। एंड द हिंड्रेंस ऑन दिस करेंसी क्राइसिस, द हिंड्रेंस ऑन दिस फ्लो ऑफ करेंसी विल बी आर पावर, विल बी टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, नाउ लेट अस रीड इट विद दिस अंडरस्टैंडिंग, लेट अस रीड दिस। द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर क्या कॉन्ट्रीब्यूट होगा? देन इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस एब्रॉड। व्हाट इज इट सेइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूस द रिस्क? ठीक है, रिस्क को रिड्यूस करना है। नाउ आपको अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर करेंसी। सो वेन फॉरन करेंसी अर्निंग्स आर कमिंग टू इंडिया, दिस मीन्स दैट इंडियाज फॉरेक्स इज इंक्रीजिंग। इफ इंडियाज फॉरेक्स इज इंक्रीजिंग, वॉट डज दैट मीन? दैट इंडिया इज इन अ पावरफुल पोजिशन, कि अगर करेंसी क्राइसिस आता है तो हम फॉरेक्स मार्केट में डाल सकते हैं, वी हैव दैट होल्ड, हमारे जेब में पड़ा है डॉलर, करेक्ट? सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुश मोर रुपीज, मोर मनी इन टू द इकोनॉमी, मोर रुपीज इन टू द इकोनॉमी, इट विल रिड्यूस द पावर ऑफ मनी ऑफ इंडियन रुपी। दैट इज वाई व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर, द रुपीज फॉलिंग, तो दैट एनहांसेस और इंक्रीजेस द करेंसी क्राइसिस रिस्क। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये पूरे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा, अगर चाहिए होगा तो बता देना, इकॉनॉमी के लेक्चर्स ले आएंगे, है ना, मैं ही पढ़ा दूंगा, मेरे को बहुत मजा भी आता है इकॉनॉमी पढ़ाने में। एंड लास्टली, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, वेरी सिंपल, वेरी इजी। रेमिटेंसेस विल ऑल्सो कम इन फॉर्म ऑफ फॉरन करेंसी, सो अगेन सेम आर्ग्यूमेंट लाइज हियर, द फॉरेक्स विल इंक्रीज एंड यू विल बी सिंपली डन। फॉरन करेंसी अर्निंग्स भी ये काम करेगा, फॉरेक्स बढ़ाएगा, रेमिटेंसेस भी ये काम करेंगे, फॉरेक्स बढ़ाएंगे, फॉरेक्स इज इंक्रीजिंग बाय दीस टू, द वन थिंग इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड सेकंड इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, बिकॉज़ इट विल इवेंचुअली रिड्यूस द वैल्यू द पावर ऑफ रुपी। बात समझ में आ गई? द आंसर इज बी, 1 इन 3। ऑलराइट, विद दिस वी कम टू एन एंड टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ द एमसीक्यू कैपिटल डेवलपमेंट सीरीज। आई होप दीस थिंग्स वर हेल्पफुल। वी आर डन विद 65 क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर ऑफ 2019। देन टुमारो लेट्स ट्राई टू हैव अ लेक्चर टुमारो ऑन 26th ऑफ जैन, ठीक है, टू वाइंड अप दिस पेपर। Either we will have a doubt session tomorrow or we will have an MCQ live session tomorrow so that the 2019 paper ends. सुन लो अभी जाने से पहले, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ एक तो हम लोग करेंगे। We will try, I'll try, I'll be informing you well in advance. We will have either of these, ठीक है, I'll try my best to take a lecture 1 घंटे का, so that either of these things take place, either of these things happen and then we will be done. Either with the 2019 paper or with a lot of doubts of yours, ठीक है, we will try to do either of these. चलिए, करें अभी के लिए बंद। आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल। इफ इट वॉज, यू कैन ऑलवेज टेल मी। एंड एज आई ऑलवेज सेड, एज आई वॉज टेलिंग इन द मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर टूडे एज वेल, कि अब वक्त आपका है इतिहास लिखने का, ठीक है। बहुत इतिहास पढ़ के आगे बढ़िए, एग्जाम क्लियर करिए, अपना इतिहास बदलिए, ठीक है। इतिहास बदला जाता है, हिस्ट्री डजंट ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तो इवन इफ यू हैव फेस्ड अ सर्टेन सेटबैक्स इन लाइफ, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू फेस देम अगेन एंड अगेन, क्योंकि कई बार इतिहास पढ़ना होता है और कई बार इतिहास लिखना होता है। ओके okay?
एक ही बार छपना है, इतिहास में छपना है, एक ही बार लिखना है, इतिहास लिखना है, बदल के लिखना है। एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर ईयर, दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर ईयर। ऑल राइट, आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड मे यू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू बी द एनहेंसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद दिस पर्टिकुलर विश। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, टेक केयर, प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।